अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.9 क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। आपने पॉलीनोमियल्स दिए हैं आपको, आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है उनका डिवीजन मेथड के जरिए। क्वेश्चन है अब हमारे पास ये दोनों, अभी हमारे पास बड़ा ही है तो हम इसको अंदर रखेंगे और ये छोटी टर्म है तो हम इसको बाहर रखेंगे। डिवीजन बॉक्स बनाएंगे, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 31x माइनस 22 अंदर रखी, ये हमारे पास छोटी थी इसको बाहर रखा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। अब मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूँ अपने डिवाइजर को कि एक्स क्यूब फर्स्ट जो है मेरा वो कैंसिल हो जाए, ठीक। तो मुझे पता है कि मैं इसे सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो यही चीज़ मेरे पास वापस आ जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, ठीक है। साइन तब्दील कर देते हैं, इसकी प्लस थी माइनस कर दी, इसकी माइनस थी तो प्लस कर दी, इसकी प्लस थी माइनस हो गई, इसकी प्लस थी माइनस हो गई। यहाँ पर तो प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये माइनस का है और ये प्लस का है तो माइनस प्लस हुआ माइनस, और 8 में से 4 माइनस किए तो मेरे पास आ गया माइनस का 4x स्क्वायर। यहाँ पर 31x माइनस का है और माइनस का ही x है तो ये हो गया माइनस का 32x। यहाँ पर ये माइनस का है और ये भी माइनस का है तो माइनस और माइनस हो गया प्लस 28। तो हमारे पास यहाँ पर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 32x और माइनस का ही 28 हमारे पास बचा। अब हमारे पास इससे डिवाइड करना है, लेकिन अब ये देखिए डिवाइड जो जिससे कर रहे हैं वो एक्स क्यूब है, यानी पावर जो है इसकी वो एक बड़ी है तो अब इससे ये डिवाइड नहीं हो सकता। जब ऐसी हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी तो हम इस वाली टर्म को जो हमारे पास डिवाइडेंट है अंदर है इसको हम बाहर ले जाएंगे, यानी इससे डिवाइड करेंगे अब इसको किस तरह से। और अगर इसमें से पहले कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कॉमन लेके। तो हमारे पास ये है माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 32x और माइनस का ही 28 है तो हमें नज़र आ रहा है कि इनमें सब में माइनस कॉमन है और 4 कॉमन, तो माइनस 4 कॉमन ले ली। यहाँ पे मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास बचा 4 8 से 32, यहाँ पे मेरे पास बचा प्लस का 7 4 7 से 28 होता है, ठीक है। 4 कॉमन ले लिया माइनस का, अब ये मेरे पास सिंप्लीफाई हो गया। अब ये डिवाइड करेगा इस पूरी टर्म को, यहाँ लिख भी देंगे नाउ डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। हम इससे डिवाइड करेंगे, डिवीजन बॉक्स बनाएंगे, ये हमारे पास अंदर चला जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 और डिवाइड करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। अब मैंने एक्स क्यूब चाहिए, मुझे एक्स स्क्वायर है मेरे पास, तो एक्स स्क्वायर और 8x प्लस 7 को अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 को मैं अगर एक्स से करूँ तो एक्स एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7x आ जाएगा मेरे पास मल्टीप्लाई होकर। तो मैंने x से कर लिया क्योंकि मुझे x क्यूब को कैंसिल करना है, प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7x। साइन तब्दील कर देंगे, प्लस की है माइनस की कर दी, प्लस की माइनस की कर दी, प्लस की है तो माइनस की कर दी, ये मेरे पास कैंसिल हो गया x क्यूब से। यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का ही 8x स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का x है और यहाँ पे माइनस का 7x है तो प्लस माइनस हुआ माइनस तो मेरे पास बचा माइनस का 6x। अब यहाँ पर प्लस का 6 है और यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो यहाँ पर प्लस का 6 आ जाते से तक जाएगा। अब हम अपनी अब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 को कि हमारे पास 12x स्क्वायर रह जाए। तो अगर मैं इसको कर लूँ एक्स स्क्वायर को डिवाइड करने के लिए, इसको माइनस 12 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा, तो मैं माइनस 12 से कर लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 को मैंने माइनस 12 से किया तो माइनस 12x स्क्वायर ज़ा 12x स्क्वायर, माइनस प्लस हुआ माइनस, 12 8 ज़ा 96x प्लस माइनस प्लस माइनस 12 7 ज़ा 84। तो ये मेरे पास आ गया मल्टीप्लाई होने के बाद, हम लिख लेंगे कि हम कर रहे हैं माइनस 12 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ आ गया माइनस 12x स्क्वायर माइनस का 96x माइनस का 84। अब माइनस साइन है तो प्लस में तब्दील कर दी, माइनस है तो प्लस में तब्दील कर दी, माइनस है तो प्लस में तब्दील कर दी, ये तो मेरे पास कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस का 6x है और प्लस का 96x है तो माइनस प्लस हुआ माइनस तो मेरे पास 96 में से 6 माइनस करने के बाद प्लस का 90x बच गया, प्लस प्लस हो गया मेरे पास ऐड तो 84 में 6 ऐड किए तो ये हो गया प्लस का 90। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 90x आ जाए तो नहीं आ सकते क्योंकि एक्स स्क्वायर बड़ा है। जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो ये हमारा क्या बन जाएगा डिवाइजर और ये हमारा अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन 90 कॉमन आ रहा है तो पहले 90 कॉमन ले लेंगे हम इसमें से, 90 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x प्लस 1। अब x प्लस 1 जो है हमारा इससे हम डिवाइड करेंगे अपनी इस टर्म को, लिख देंगे यहाँ नाउ डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 बाय x प्लस 1।
सिंप्लीफाई जब कर लेते हैं तो उस वाली चीज़ को छोड़ देते हैं जो हमारे पास कॉमन लेते हैं, वो चीज़ बच जाती है जो अंदर, उससे हम डिवाइड करते हैं। डिवीजन बॉक्स बनाया, अंदर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सेवन, एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे। एक्स प्लस वन को हम किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाए तो एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन जा एक्स, तो एक्स से किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, साइन प्लस की थी माइनस की कर दी, प्लस की थी माइनस की कर दी, ये कैंसिल हो गया। एट एक्स में से माइनस एक्स निकाला तो सेवन एक्स बचा मेरे पास पॉजिटिव, तो यहाँ से प्लस का सेवन बचा। एक्स प्लस वन को किससे करूँगे, सेवन एक्स आ जाए तो सेवन से करूँगी तो सेवन एक्स आ जाएगा, सेवन एक्स प्लस सेवन, तो मैंने प्लस सेवन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया मेरे पास सेवन एक्स प्लस सेवन। साइन तब्दील कर देते हैं, कर दी कैंसिल हो गए दोनों, यहाँ पे ये बिल्कुल कैंसिल हो गया। अब ये जो x प्लस वन मेरे पास डिवाइजर आया है, इससे हम डिवाइड करेंगे इस थर्ड पॉलीनोमियल को, जो हमारी थर्ड पॉलीनोमियल डिग्री थी, इससे इसको डिवाइड करेंगे हम दोनों को, तो हमने कर लिया था। डिवीजन बॉक्स बनाएंगे और यहाँ लिख भी देंगे नाउ डिवाइड टू एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस थ्री बाय एक्स प्लस वन। डिवीजन बॉक्स बनाएंगे टू एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस थ्री, अंदर रखा ये बाहर रखेंगे एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास टू एक्स क्यूब आ जाए, तो अगर मैं इसे टू एक्स स्क्वायर से करती हूँ तो टू एक्स स्क्वायर एक्स ज़ा टू एक्स क्यूब, टू एक्स स्क्वायर वन ज़ा टू एक्स स्क्वायर, तो मैंने करा इसे टू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो यहाँ मेरे पास आ गया टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर, साइन प्लस की थी माइनस की कर दी। आपने फर्स्ट जो है वो टर्म है उसको ध्यान में रखते हुए करना होता है मल्टीप्लाई, कि बस ये टू एक्स स्क्वायर है क्यूब है ना टू एक्स क्यूब, तो मैं बस टू एक्स क्यूब आ जाए, बाकी को आगे को नहीं देखेंगे, आगे वाले को से कुछ भी आए मल्टीप्लाई होकर आपने लिखना है, लेकिन आपने इसको कैंसिल करते हुए जाना है। तो यहाँ प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, नाइन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है टू एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, नाइन से टू माइनस किए तो मेरे पास आ गया सेवन एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचा टेन एक्स, यहाँ से आया थ्री। अब मैं एक्स प्लस वन को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास आ जाए सेवन एक्स स्क्वायर, तो सेवन एक्स से कर लूँगी तो सेवन एक्स एक्स आ जाएगा सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स वन जा सेवन एक्स, तो मैंने किया इसे प्लस सेवन एक्स से मल्टीप्लाई, मेरे पास अलग कॉलम है, तो मेरे पास आ गया सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स, प्लस का था माइनस का कर दिया, प्लस का था माइनस का कर दिया, कैंसिल हो गया। टेन एक्स प्लस का माइनस का सेवन एक्स है तो मेरे पास थ्री एक्स बच जाएगा प्लस का, और यहाँ से प्लस का थ्री उतर जाएगा। अब मैं एक्स प्लस वन को किससे करूँ कि थ्री एक्स प्लस थ्री आ जाए, तो एक्स प्लस वन को अगर मैं थ्री से करूँ तो थ्री एक्स या थ्री एक्स प्लस थ्री एज इट इज़ आ रहा है आपके पास सेम, तो आप कर देंगे इसे प्लस थ्री से मल्टीप्लाई, तो थ्री एक्स प्लस थ्री, प्लस की साइन थी माइनस की कर दी, कैंसिल हो गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ कि आपके पास एच सी एफ है एक्स प्लस वन, जो आपकी पूरी जो है वो तीनों पॉलीनोमियल्स को डिवाइड कर रहा है, तो एक्स प्लस वन इज़ द एच सी एफ ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। एक्सरसाइज 5.9 क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लस फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड के जरिए, ठीक है। आपके पास तीन जो है वो पॉलीनोमियल्स मौजूद हैं, तीन पॉलीनोमियल्स दी हुई हैं, तो आपने दो से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। जब दो हल बिल्कुल आपके पास डिवाइड हो जाए उसके बाद जो उसका डिवाइजर होगा उस डिवाइजर से इस थर्ड को डिवाइड करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ये दोनों पॉलीनोमियल्स में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, इसलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं। जो बड़ी है पॉलीनोमियल उसको अंदर रखेंगे, ये मेरे पास बड़ी है 12x स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 5 इसे अंदर रखा, ये मेरे पास बाहर आ जाइए 6x स्क्वायर प्लस x माइनस का 5। अब मैं 6x स्क्वायर जो मेरा डिवाइजर है इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा ये 12x स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो 6 टू ज़ा होता है 12, अगर मैं इसे सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 6 ज़ा 12x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 25 ज़ा 10, तो मेरे पास ये आ रहा है 12x स्क्वायर आ रहा है, तो ये मीन्स कि कैंसिल हो रहा है फर्स्ट, तो इसको कैंसिल करते हुए चलेंगे 12x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 10, साइन प्लस की थी माइनस की हो गई, प्लस की थी माइनस की हो गई, प्लस माइनस की थी तो प्लस की हो गई, प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, माइनस का 16x है और माइनस का ही 2x है, तो माइनस का हो गया 18x, प्लस का 5 है प्लस का ही 10 है तो प्लस का हो गया 15। अब 6x स्क्वायर हमारे पास बड़ा है, डिवाइडेंट जो है वो हमारे पास अंदर जो टर्म है वो छोटी हो गई है, यानी उसके पावर 1 है और इसके ऊपर 2 है, तो अब ये इससे डिवाइड नहीं हो सकता। जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी तो आप इसको डिवीजन बॉक्स में रखेंगे और इससे डिवाइड करेंगे, और अगर ये सिंप्लीफाई हो रही हो तो पहले से सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह से सिंप्लीफाई किया, हमारे पास 18x है, ये हमारे पास प्लस का 15 है, तो यहाँ से हमारे पास दोनों में से माइनस कॉमन आ रही है और 3 कॉमन आ रहा है, तो हम माइनस का 3 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, हम फर्स्ट को जो है वो पॉजिटिव कर लेते हैं टर्म को, तो माइनस का 3 कॉमन ले लिए, तो 3 6 18 एक्स प्लस 3 5 15 6x प्लस 5 आया मेरे पास। तो अब ये जो हमारे पास आ जाता है ये हमारा बन जाएगा इसको डिवाइड करने वाला, यानी डिवाइजर लेंगे नाउ डिवाइड 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 बाय
6x प्लस 5, हम 6x माइनस कॉमन लिए तो माइनस आ जाएगी इधर, 6x माइनस 5, 6x माइनस 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 6x माइनस 5 मेरे पास आ गया डिवाइजर, अंदर मेरे पास है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब मेरे पास है 6x माइनस 5 डिवाइजर, मुझे लाना है 6x स्क्वायर, तो कैसे लाएंगे, स्क्वायर चाहिए तो 1x और मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, 6x से x को किया तो 6x स्क्वायर, 5 से x को किया तो माइनस का 5x, ये आ रहा है मेरे पास। तो हमारे पास लिख देंगे कि हमने किया इसे सिंपल x से, तो 6x स्क्वायर माइनस का 5x, साइन तब्दील कर देंगे, इसकी प्लस की थी माइनस की कर दी, इसकी माइनस की थी प्लस की, ये कैंसिल हो गया, प्लस का x है प्लस का ही 5x है, तो ये हो जाएगा मेरा 6x प्लस का और माइनस 5 एज इट इज, 6x माइनस 5, 6x माइनस 5 सेम है, तो मैं प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, 6x माइनस 5 बन जा 6x माइनस 5, साइन प्लस की थी माइनस की कर दी, माइनस की थी तो प्लस की कर दी, दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास जो थर्ड एक्सप्रेशन हमें पॉलीनोमियल थर्ड दी गई है, ठीक है, ये रहती है, तो अब इसको डिवाइड करेंगे और यही हमारा डिवाइजर रहेगा जो लास्ट, मतलब अब हमारे पास जिससे ये पूरी टर्म डिवाइड हुई है, ये पूरी पॉलीनोमियल डिवाइड हुई है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे नाउ डिवाइड 30x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 30 बाय 6x माइनस 5, डिवीजन बॉक्स बनाएंगे, 30x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 30 अंदर रखा, 6x माइनस 5 बाहर रखा, अब मेरे पास चाहिए मुझे 6x माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 30 आ जाए, तो 6x माइनस 5 मुझे चाहिए क्या, 30, तो 6 5 ज़ा 30 होता है और स्क्वायर चाहिए तो 1x से भी मल्टीप्लाई किया, 5 6 ज़ा 30 एक्स स्क्वायर माइनस 5 5 ज़ा 25x, ये मेरे पास आ रहा है किससे मल्टीप्लाई करके 5x से, तो मैंने लिखा 30x स्क्वायर माइनस 25x, प्लस की साइन इसके साथ थी माइनस की आ गई, माइनस की थी तो प्लस की आ गई, ये कैंसिल हो गए, 11x पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही 25x है, तो 25 में 11 ऐड किए तो ये मेरे पास हो गए 36x और ये है माइनस का 30, ठीक है। अब आपके पास ये आ गए, अब हमें पता है मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 डिवाइड हो सकता है, अभी भी 6x माइनस 5 को किससे करूँ मल्टीप्लाई कि मेरे पास 36 आ जाए, तो 6 6 ज़ा 36 होता है और x इसके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सिंपल 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36 एक्स माइनस 6 5 ज़ा 30, 36x माइनस 30 आ रहा है तो मैं कर रही हूँ इसे प्लस 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ गया 36x माइनस 30, साइन चेंज कर देते हैं, कर दी, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ कि एक्स सी एफ आ रहा है मेरे पास 6x माइनस 5, जो आपके पास लास्ट डिवाइज़र होता है वो आपका एच सी एफ होता है।